नमस्कार, मैं हूं शुभि और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। एक बार फिर प्रदेश में मौसम करवट लेने वाला है और ठंड वापस आएगी, इस बात की जानकारी मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से दी जा रही है। बताया तो ये जा रहा है कि प्रदेश भर में एक बार जोरदार बारिश होने की संभावना है और साथ ही साथ गरज और ओले पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में एक बार फिर से प्रदेश का मौसम बदलेगा और ठंड दोबारा से बढ़ेगी। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों का और क्या कुछ कहना है, आपको विस्तार में बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार के मौसम में अचानक से बदलाव होगा। राज्य के कई हिस्सों में गरज तड़क के साथ बारिश के आसार हैं, तेज हवाएं भी चल सकती है, वहीं कुछ जगहों पर ओला पड़ने की संभावना है। इस दौरान पटना में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना के अलावा कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक प्रति चक्रवात की स्थिति बनी है। बिहार के कुछ भागों से टर्फ लाइन गुजर रही है, इससे मौसम में बदलाव की स्थिति है। शाम से मौसम में बदलाव के आसार चंपारण इलाके में दिखने लगेंगे। वहीं पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान के अनुसार बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पहाड़ों से मैदानी इलाकों की तरफ ठंडी और शुष्क हवाएं बहनी शुरू हो गई है, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। वहीं अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के सफदरगंज वेधशाला में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और वहीं अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अगर आपने भी अपने गर्म कपड़ों को खिली धूप देखकर बस्ते में रख दिया है तो अब उसे निकाल लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि प्रदेश के मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलेगा और ठंड यू टर्न लेगी, ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना, सतर्क रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बदलते मौसम में लोगों के स्वास्थ्य के बिगड़ने की आशंका ज्यादा होती है। ऐसे में आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन। नमस्कार।